Guys, welcome to my channel. Let's visualize India. Myself Pooja, and I'm taking your science class 6 component of food, that is the chapter 2. I am taking it from the NCERT book. Visualization help you to clear your concept and easily understood your chapter, right? So start karte hain apna aaj ka video. Aaj ke apne topic kaun kaun se hain? Aaj ke topic hain apne chapter from chapter 2, test for carbohydrate, test for protein, test for fat, deficiency disease and cooking habit. ठीक है, कुछ टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के पिछले वीडियोस में देखा था, पढ़े थे अपन ने. आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हो, अपने चैप्टर आधा उसमें से क्लियर कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक्स अपने इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं, राइट. तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो. पहला टॉपिक है टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट क्या होता है पता है ना अपन को? व्हाट डू यू मीन बाय द कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट वो न्यूट्रिएंट्स थे. अपन पिछले थोड़ा सा रिकॉल करें, पिछले अपने टॉपिक थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं? जो भी अपन खाना खाते हैं उससे अपन न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, राइट, रफेज, वाटर, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे क्या थे? न्यूट्रिएंट्स थे. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस कौन कौन से थे? स्वीट पोटेटो, पोटेटो, पपाया, बनाना, राइट. तो हम इसको चेक करना है. कार्बोहाइड्रेट में हमें क्या मिलता था? स्टार्च मिलता था. तो हमें चेक करना है कि हमारे फूड में स्टार्च है या नहीं, हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या टेस्ट करेंगे? हम लोग क्या लेंगे सबसे पहले, इसमें मैंने आपको बताया देखा कि चेक करने के लिए आयोडीन का सॉल्यूशन लेना पड़ता है. ठीक है, जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट अपन ने फूड ले लिया, कौन सा कार्बोहाइड्रेट फूड इसमें मैंने लिया है? ब्रेड. ठीक है, उसमें भी स्टार्च होता है. तो हमने क्या किया, आयोडीन का सॉल्यूशन उसमें डाला. अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट है तो अपना जो डॉट्स डाला वो कौन से क्लियर कलर में हो जाता है? ब्लैक या ब्लू. दैट मीन्स इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें स्टार्च है. ठीक है, अगर वो ब्लैक या ब्लू में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो सेम कलर में रह रहा है, दैट मीन्स उसमें स्टार्च नहीं है. ये कोई भी फूड मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट चेक करने का एक तरीका होता है. ठीक है, अगर अपन को चेक करना है कि उसमें स्टार्च है या नहीं, तो व्हाट डू यू डू, आपको क्या करना है, आपको आयोडीन का सोल्यूशन लेके उसमें थोड़े से ड्रॉप्स डालना है फूड में अपना, चाहे वो पोटेटो लेते हो, जैसे मैंने ब्रेड लिया है, आप स्वीट पोटेटो ले सकते हो. ठीक है, कोई भी बन ले सकते हो, केक ले सकते हो, उसमें आप देख डाल के देखो, अगर आपका फूड जो आपने लिया है वो ब्लू या ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स इट कंटेन्स स्टार्च. ये कार्बोहाइड्रेट चेक करने का तरीका है. ठीक है, इसको आयोडीन टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि अपन ने इसमें जो सोल्यूशन लिया है वो आयोडीन का ही लिया है. ठीक है गाइस, समझ में आया? कोई भी कार्बोहाइड्रेट चेक करने का, अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो वो ब्लैक या ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं होगा, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगा. ठीक है, तो ये था अपना टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट का. अब अपन देखते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन का. प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन पता है? किस किस में होता है प्रोटीन? पल्सेस में प्रोटीन होता है, मिल्क में प्रोटीन होता है. ठीक है, जो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें प्रोटीन्स होते हैं. तो प्रोटीन के लिए हमें कौन कौन सोल्यूशन चाहिए? हमें चाहिए कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा सोल्यूशन. ठीक है, कास्टिक सोडा होता है जो कई बार अपन जिससे जो सोप वगैरह होती है, ठीक है, वो बनती है. तो ये दो सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा. इसको ब्यूरेट सोल्यूशन भी कहते हैं. अगर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी अपन ने खाना लिया, सपोज करो मैं दाल के पल्सेस के दाने ले लेती हूँ, राइट, उसको मैं चॉप बारीक पीस के या पाउडर करके एक ट्यूब में डाल दिया मैंने उसको. अब मैं ब्यूरेट सोल्यूशन डाल दूंगी उसमें, कुछ बूंदे डाल दिए. अब मुझे उसे क्या करना है, व्हाट आई हैव टू शेक, अच्छे से उसको ढक के इसको मैं शेक करती हूँ, जिसका वो जो सोल्यूशन है वो बाहर नहीं है, ये कुछ पानी बाहर नहीं फैले. अगर वो पर्पल कलर में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स इट इज देयर इज अ प्रोटीन इन आवर फूड. और अगर वो पर्पल कलर में कन्वर्ट नहीं होता है, जो उसका कलर है उसी में रहता है या नॉर्मली कोई दूसरे कलर में होता है, दैट मीन्स वो प्रोटीन उसमें नहीं है. ठीक है, प्रोटीन के लिए हम क्या टेस्ट के लिए क्या करते हैं, हम कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा डालते हैं, इसको ब्यूरेट सॉल्यूशन भी कहते हैं. हम उसको हम उसको शेक करेंगे अच्छे. शेक करने से क्या होगा, वो मिल जाएगा. ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो उसमें खाने में मिल जाएगा. उसके बाद में वो कलर पानी जो उसका लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पर्पल कलर में. दैट मीन्स इट हैज इट कंटेन्स प्रोटीन इन आवर फूड. ठीक है, ये समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट टेस्ट पड़ा, उसमें हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला था. प्रोटीन टेस्ट में हमने क्या डाला, ब्यूरेट सॉल्यूशन या कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा सॉल्यूशन डाला. अब अपन को चेक करना फैट, फैट किसी फूड में है या नहीं. इसके लिए क्या करेंगे देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, फैट का. ठीक है,
तो फैट के चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फैट का चेक करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे कोई भी चीज लेते हैं अपन, उसको एक जो पेपर ले लिया या हम कोई कपड़ा ले लेते हैं, ठीक है, क्लोथ ले लेते हैं हम, उसमें एग्जाम्पल लेते हैं अपन कोई भी चिप्स आ गए, ठीक है, चिप्स में भी ऑयल रहता है, ठीक है, तो हमने उसको डाल दिया कोई पेपर में, अगर उसमें पानी होगा तो वो कपड़ा गीला होगा, ठीक है, तो वो पानी क्या होगा, पानी तो वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा, थोड़ी देर में वो सूख जाएगा, अगर उसमें ऑयल है तो वो थोड़ा सा स्पॉटेड हो जाएगा, जैसे आप इसमें देखो इसमें स्पॉटेड हो रखा है, आई एम गोइंग टू शो यू, सी ये हो रखा है स्पॉटेड, ठीक है, दैट मीन्स इसमें ऑयल है, क्योंकि ये दाग है वो हटा नहीं, लेकिन अगर पानी का दाग होगा तो वो थोड़ी देर बाद में लिक्विड वो पानी उड़ जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है, तो उसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा कपड़ा है, जैसा क्लोथ है या कोई पेपर है वो वैसा का वैसा रह जाएगा, लेकिन अगर ऑयल का है तो वो ट्रांसल्यूसेंट, मतलब हल्का सा पार्शली हमें ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पार्शली ट्रांसपेरेंट को पता है ना, ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, मतलब कुछ कुछ पार्ट दिखता है, पूरा क्लियर नहीं दिखता, कुछ कुछ पार्शली दिखता है, तो वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, मतलब ऑयल के स्पॉट उसमें रह जाएंगे, वो हटेगा नहीं, उसको या तो धो के साफ करो या पेपर है तो ऑब्वियसली वो हो गई नहीं। तो फैट टेस्ट करने का क्या तरीका है, कोई भी पेपर में क्लॉथ में अगर हम रुकते हैं तो उसमें चिकनाहट रह जाती है, तो वो फैट है, अगर वो गीला है तो वो उड़ जाएगा, तो वो उसमें रहेगा ही नहीं, तो हमें पता चल गया कि उसमें फैट है, उसमें ऑयल है, वाटर घी है या बटर है, कुछ भी है, तो ये कौन सा हुआ, फैट टेस्ट करने का तरीका, ठीक है, हमने तीनों का तो पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट का देख लिया, प्रोटीन टेस्ट का देख लिया एंड फैट टेस्ट का देख लिया, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती है, अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो हम खाने में ले रहे हैं अगर उसकी कोई चीज की कमी रह जाती है, ठीक है, सपोज करो प्रोटीन की कमी रह गई अपने खाने में, अपने बैलेंस डाइट में हम प्रोटीन चीज नहीं ले रहे यार, अपन कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे, तो ठीक है वो चीज की कमी होने से उसको उस चीज की डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं, ठीक है, हम लोग बचपन में जब खाना खाते थे तो हमें मम्मी बोलती है ना सब्जी लो, ठीक है, लिक्विड भी लो, क्यों बोलती है, उससे आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी ना हो, विटामिन की कमी नहीं हो, हर चीज प्रॉपर अमाउंट में दिया था, इसी को बैलेंस डाइट कहते हैं, हर चीज को एक बैलेंस, ये नहीं कि हमें बैलेंस डाइट के लिए बहुत हाई फाई चीजें लेनी है या बहुत महंगी महंगी परचेज करना है, नहीं, हमारे घर में भी जो भी हम खाना बना रहे हैं, जो भी मम्मी बना रही है घर में, वो भी अगर हम पूरा ले लेते हैं अपने खाने में कंज्यूम कर लेते हैं, वो भी बैलेंस डाइट होता है, एक छोटा बेबी होता है उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट वन, ठीक है, एक लेबर होता है उसको कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है इंस्टेड टू जो नॉर्मल ऑफिस जा रहा है, क्यों, वो ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहा है, जिसको फिजिकल वर्क ज्यादा होता है उसको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, जो नॉर्मली है उसको ठीक है उसको नॉर्मल ले लिया, वैसे एक बच्चे को प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हेल्प करता है ग्रोथ में, ठीक है, तो एक बच्चा ग्रोथ कर रहेगा उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू एडल्ट, क्योंकि एडल्ट की बॉडी ऑलरेडी ग्रोथ कर चुकी है पूरी, ठीक है, तो ये समझ में आया हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्यों कंज्यूम करना चाहिए, एक प्रॉपर अमाउंट में हमें हमारे खाने में हर चीज लेना चाहिए, अगर एक छोटा बच्चा है वो खाना खा पा रहा है तो जो भी घर में बनाया है तो उसको सबको मिक्स करके मम्मा उसको देती है, राइट, चाहे अगर अपन कढ़ी बनाया है, दाल बनाया है, उसको फल का उसमें जो चपाती होती है उसको चूर के, ठीक है, उसमें सब्जी डाल के सब देती है, क्यों, इससे क्या फायदा होगा उसको, उसकी बॉडी में सब चीजें मिल रही है, दाल भी मिल रही है, सब्जी भी मिल रही है, चपाती भी मिल रही है, ठीक है, इसलिए कि उसका पूरा बैलेंस डाइट हो, हम बड़े हैं तो हम हर चीज को खा सकते हैं, तो हम अपने खाने प्रॉपर अमाउंट में हर चीज लेनी चाहिए, कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, कमी होने से उस चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है, आगे जाके हमें इस चीज को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन कौन सी होती है,
ये फर्स्ट है, ये प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है, इसको बोलते हैं क्वारिश्कोर। क्वारिश्कोर में क्या होता है, कोई भी अगर हमने प्रोटीन पूरा प्रॉपर अमाउंट में नहीं लिया है तो हमें इस तरह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इस बच्चे को क्वारिश्कोर है, ठीक है। क्वारिश्कोर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। इसके फर्स्ट सिम्टम्स में आपको होता था मेंटल रिटार्डेशन। क्या मेंटल रिटार्डेशन में क्या होता है, मेंटली ग्रोथ नहीं करता बच्चा, उसका प्रॉपर मेंटली ग्रोथ नहीं पढ़ पाता, वो कैप ना पढ़ सकता है, या मतलब पूरा प्रॉपरली वो अपने आप को एज अ नॉर्मल बच्चे के अकॉर्डिंग उसको कैचिंग पावर, उसका कंसेप्ट क्लियर या कोई भी चीज का मेंटली उसका ग्रोथ पूरा प्रॉपरली में नहीं हो पाता, ठीक है। सेकेंड है स्टंट ग्रोथ, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, हो सकता है चाहे लंबाई में हो, ठीक है, चाहे उसका नॉर्मल बच्चों से जैसे वो रेस नहीं कर पा रहा हो, ठीक है, या उसका दिमाग उतना ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। थर्ड वन इज लॉस ऑफ एपिटाइट, उससे क्या होता है, उसके सबसे लॉस ऑफ एपिटाइट में उसकी भूख मर जाती है, भूख मतलब खत्म हो जाती है, उसको भूख नहीं लगती, उसका पेट हालांकि बहुत बड़ा दिख रहा है कि वो कितना खाता होगा, लेकिन उसकी बाकी बॉडी देखो एकदम पतला सा वीक सा है, राइट। तो उसकी भूख खत्म हो गई तो उसकी बॉडी तो क्या एकदम वीक हो गई, फिर सब पेट बाहर रहता है, उसकी जो बैली है बिल्कुल बाहर की तरफ हो जाती है, बिल्कुल बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसकी भूख खत्म हो जाती है, उसको भूख नहीं लगती बिल्कुल भी। नेक्स्ट वन इज अ ब्राउनिश हेयर, उसके बाल ब्राउन रहते हैं, ठीक है, मतलब अगर उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो बाल भी रूखे से हो जाते हैं, उनमें जान नहीं रहती, ठीक है, वो एकदम शाइनिंग नहीं रहते। नॉर्मली अगर बच्चा प्रॉपरली खा रहा था तो उसकी बॉडी हर चीज ग्लो करती है, लेकिन उस बच्चे की ग्लो नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द डार्क एंड स्केली स्किन, ऑब्वियसली अगर हम खाना नहीं खा रहे तो मैंने अभी आपको कहा ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, और प्लस जो स्किन है वो एकदम झुर्रियां सी हो जाती है, बिल्कुल लाइनिंग से आ जाती है, उसमें झुर्रियां सी पड़ जाती है, एकदम रफ सी हो जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट सिम्टम्स इज प्रोड्यूसिंग वैली, मैंने भी कहा आपको पेट एकदम बाहर की तरफ फूल जाता है, इसके सबसे बड़ी यही सिम्टम है कि प्रोड्यूसिंग वैली, इसके जो पेट होता है बच्चे का वो बाहर आ जाता है बिल्कुल, ठीक है। और द नेक्स्ट वन द स्वेलन लेग्स, लेग में बहुत ज्यादा फूल जाता है, सूजन आ जाती है, तो ये सारे इसके सिम्टम्स है। इसके अलावा भी इसके एनीमिया में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, डिहाइड्रेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारे सिम्टम्स है किसकी वजह से, प्रोटीन डेफिशिएंसी, मतलब उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, उसकी वजह से ये सारे इसको क्वारिश्कोर की प्रॉब्लम हुई। ये जहाँ पे होता है जहाँ बच्चा पूरा खाना प्रॉपरली कंज्यूम नहीं कर पा रहा, इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने जो मिड डे स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स उसमें मिड डे स्कीम, ठीक है, खाने मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की है, उससे क्या होगा बच्चों को एटलीस्ट वन टाइम, जो पुअर फैमिली से होते हैं गाँव में, जो पूरा बच्चों को खाना प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, वो एटलीस्ट बच्चों को स्कूल भेजे, इससे क्या होगा, एक तो बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ाई करेगा, प्लस वो खाने के लालच से भी स्कूल जाता है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इसका ये क्या फायदा लिया कि अगर वो खाना खाएगा तो हम क्यों ना उसको प्रोटीन वाला खाना दें, हम क्यों ना उसको कार्बोहाइड्रेट वाला खाना दें, कि एटलीस्ट उस बच्चे की डेफिशिएंसी ना हो, ठीक है, क्योंकि बच्चे ही आगे चल के हमारे देश का भविष्य होता है, हमारे देश का फ्यूचर होता है, तो बच्चा प्रॉपरली ग्रोथ करेगा तो हमारा कंट्री भी प्रॉपरली ग्रोथ कर पाएगी, ठीक है। तो हमारे मिड डे इसके जो मिड डे मील स्कीम है उसके पीछे ये है कि बच्चों को पूरा न्यूट्रिएंट, पूरा बैलेंस डाइट उसको खाने में पहुंच सके, पढ़ाई के साथ साथ भी खाना भी पूरी मात्रा में उनको पहुंच सके, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में पहुंचते हैं अपन, अब नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा है देखते हैं, मैरेस्मस। मैरेस्मस भी एक तरह से प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है, हमने जो पिछली वाली थी उसमें क्या होता है बच्चे का एकदम जो बेबी होता है उसका बिल्कुल पेट भर आता है, लेकिन इसमें देखो बॉडी एकदम वीक हो रखी है, जिसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं, पहला होता है नो फैट, ऑब्वियसली वो कोई फैट की चीज खा ही नहीं रहा है तो बिल्कुल उसकी बॉडी एकदम वीक सी रहेगी, एकदम कमजोर सी रहेगी, राइट। नेक्स्ट वन इज द बोन शोइंग, बिल्कुल वीक है तो बिल्कुल हड्डियां दिख रही है उसकी, आप उसके चेस्ट में देखो बिल्कुल चेस्ट के जो लंग्स वगैरह बिल्कुल प्रॉपरली एकदम उसकी कंकाल सा स्केलेटन सा दिख रहा है एकदम। मेंटल डिटार्शन, मेंटली ग्रोथ नहीं कर पाता बच्चा, ठीक है, एकदम छोटा सा बेबी जैसा रहता है। वीक लेग्स, एकदम कमजोर, यू कैन सी बिल्कुल कुछ भी मसल्स वगैरह है ही नहीं इसे, ठीक है। पुअर मसल डेवलपमेंट, प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाता, ग्रोथ नहीं कर पा रहा तो ऑब्वियसली उसका प्रोटीन ही नहीं मिला तो बच्चा ग्रोथ कैसे करेगा, बिना प्रोटीन के तो कोई भी बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये इसके सिम्टम्स हो, एनीमिया, खून की कमी होती है, मतलब खून नहीं बन पा रहा, खून के जो क्लॉटिंग्स हो जाती है वो बनना बंद हो जाती है, ठीक है। तो मैरेस्मस का ये सारे हैं, क्वारिश्कोर और मैरेस्मस में यही है कि उसमें बच्चे का पेट बाहर आ जाता है, उसका बच्चा का पेट बाहर नहीं आता, ये भी वीकनेस होता है, ठीक है। बाकी सारे सिम्टम्स लगभग सेम है, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है ये, राइट। नेक्स्ट से पहुंचते हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड में कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज है, लेट्स सी।
विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। विटामिन्स के कई बार हमें ना जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह है वो सप्लीमेंट्स देते हैं, हमें विटामिन्स की दवाई टैबलेट्स वगैरह देते हैं, ठीक है। पहला है स्कर्वी, ठीक है। तो स्कर्वी विटामिन की कमी की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, हमारे जो ब्लड दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उसमें ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। इसमें क्या क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स होता है, गम से हमारे ब्लड निकलना स्टार्ट होता है, जो घाव हो जाते हैं वो काफी टाइम तक, चाहे हमारी बॉडी में कहीं विटामिन सी में क्या होता है, कहीं पे भी हमारे लग जाए तो हमारी बॉडी जो ब्लीडिंग होती वो रुकती नहीं है, वो कंटिन्यूसली होता रहता है। तो ये विटामिन सी के सिम्टम्स है। नेक्स्ट वन इज द बेरीबेरी, ठीक है। बेरीबेरी में आप देखते हो उस बच्चे के कैसे पैरों में स्वेलिंग आ रखी है, ठीक है। तो ये विटामिन बी वन की वजह से होते हैं। इसमें जो मसल्स वगैरह होते हैं बहुत वीक हो जाते हैं, है ना। प्लस ये पैरों में स्वेलिंग आती है, अगर आप फिंगर डालेंगे ना तो वो बिल्कुल खड्डा सा बन जाएगा। आप देख रहे हो कैसे इस तरह से, ये देखो इसकी, ये फिंगर डाला इसने और यहाँ पे कैसे होल सा हो गए, ठीक है। तो बॉडी एकदम फूल जाती है, एकदम खड्डे से अपन डालेंगे तो फिंगर्स डालेंगे तो खड्डा सा हो जाएगा, ठीक है। हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रह पाती, हम बिल्कुल वीक हो जाते हैं। तो ये विटामिन बी वन की कमी से होते हैं, राइट। रैकेट्स, रैकेट्स में नॉर्मली हमारे पैर क्या होते हैं, बिल्कुल सिंगल स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। लेकिन जब रैकेट्स की प्रॉब्लम होती है तो हमारे पैरों में ऐसे कर्व्स हो जाता है, पाँव एकदम मुड़ से जाते हैं, हम प्रॉपरली चल नहीं पाते, चलने में हमें नहीं लगे, लेकिन हमें जो थोड़ा सा वे ऑफ वॉकिंग का होगा वो नॉर्मल पर्सन से डिफरेंट होगा, राइट। तो इस वजह से इसमें हमारे जो बोन्स वगैरह होती है उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता, ये थोड़ा सा कर्व की वजह से होता है। और ये विटामिन डी की वजह से होता है, इसमें हमारे बोन्स वगैरह बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो रहती है लेकिन बेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। यही इसके सिम्टम्स है, जो पैरों के जो हमारे बोन्स वगैरह है वो हल्के से बेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है। इसके अलावा भी विटामिन ए की वजह से लॉस ऑफ विजन हो जाता है, मतलब हमें आंखों में देखने की प्रॉब्लम होती है, कई बार तो बिल्कुल ही रोशनी चल जाती है अगर हमें विटामिन ए प्रॉपरली नहीं मिल पाता, ठीक है। तो ये सारे कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। तो इसके लिए हमें कई बार डॉक्टर्स विटामिन के सप्लीमेंट्स देते हैं, बच्चों को विटामिन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। और इसके अलावा नहीं तो फ्रूट सबसे बेस्ट होता है विटामिन के लिए, राइट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। मिनरल्स की वजह से, मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, हमें कैल्शियम खाना चाहिए, राइट, आयोडीन लेना चाहिए, आयरन लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे खाने में अगर हम प्रॉपरली मिनरल्स लेंगे तो हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। गॉइटर सबसे बड़ी है, गॉइटर, गॉइटर में क्या होता है, हमारे जो जो गले की जो थायराइड जो ग्लैंड्स होती है वो फूल जाती है, जो हमारे एच शेप में, ये आप देख रहे हैं एच शेप में, है ना, ये इस तरह से स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये आयोडीन की कमी, मतलब अगर हम प्रॉपर एक राइट अमाउंट में अगर हम सॉल्ट का यूज नहीं कर रहे हैं या आयोडीन युक्त, जो आपने कई बार टीवी में देखा है, अगर आयोडीन पूरा युक्त अगर हम नमक का यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें ये गॉइटर की प्रॉब्लम होते हैं। इसलिए कई बार जो न्यूज़पेपर में या टीवी में ऐड आता है, आयोडीन युक्त नमक खाने से हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आयोडीन किससे मिलता है, हमें सॉल्ट से मिलता है, तो इस तरह से। लेकिन ये भी नहीं कि हम बहुत ज्यादा सॉल्ट का कंज्यूम करें, ये भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ये हमारी हड्डियां गल सकती है, राइट। तो बहुत ज्यादा भी यूज नहीं करना, लेकिन एक लिमिटेड वे में यूज करना, ठीक है। एकदम जो सफिशियंट अमाउंट है उसमें यूज करो, इससे हमारे क्या होता है, जो हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, वो बढ़ती नहीं है, फूलती नहीं है, ये तो आगे जाके हमें ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। सेकेंड वन है टूथ डिके, ये सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है बच्चों में, ठीक है। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होता है, कैल्शियम की कमी होती है, स्पेशली बच्चों में। तो बच्चों को बोलते हैं दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो, क्यों बोलते हैं, क्यों, दूध से हमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम मिलता है, प्लस हमें जो बनाना होता है, बनाना से भी सबसे ज्यादा कैल्शियम मिलता है,
जितना ज्यादा अच्छा हम कैल्शियम राइट अमाउंट में यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, हमारे जो टीथ है उतने ज्यादा मजबूत होंगे, राइट। तो कैल्शियम की कमी से हमारे दांतों में क्या होते हैं, कई बार बच्चों के दरारें आ जाती है, दांतों में कीड़े लग जाते हैं, कैविटीज लग जाती है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होते हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। इसके अलावा आयरन, आयरन की कमी से भी एनीमिया प्रॉब्लम हो जाती है। एनीमिया में क्या होता है, बॉडी वीक हो जाती है, हम लोग को ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड प्रॉपरली अमाउंट में बन नहीं पाता, हम ऑब्वियसली बिल्कुल वाइट सी हो जाती है हमारी बॉडी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हमें बोला जाता है टमाटर वगैरह यूज करो या बीट रूट यूज करो, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़े। तो ये थे डेफिशिएंसी डिजीज, हमें प्रॉपरली अमाउंट में हर न्यूट्रिएंट का यूज करके कंज्यूम करके इन सारी डेफिशिएंसी डिजीज को कम किया सकता है। सो ये आपने डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में अपन ने पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे कुकिंग हैबिट्स में कौन कौन से होते हैं, कि हमें कौन कौन से अमाउंट में जो हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, हम जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। पहली सबसे बड़ी कॉमन, जब हम खाना बनाते हैं हम नॉर्मली कैसा भी बना लेते हैं, उससे कई बार तो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते या हम लोग धो लेते हैं तो वो कई बार विटामिन निकल जाते हैं। तो कौन कौन से मिस्टेक्स हम करते हैं अपन पढ़ते हैं इस चैप्टर में। अवॉइड रिपीट वॉशिंग, अगर अपन कोई चीज को बार बार धो रहे हैं, जैसे पल्सेस वगैरह हुआ, राइस वगैरह हुआ, तो वो क्या होगा, उसमें से विटामिन वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो बह जाते हैं, निकल जाते हैं। तो कोई भी चीज को एक या दो बार धोते हैं बहुत है, इससे ज्यादा धोने से कोई फायदा नहीं है, उसमें से जो स्टार्च वगैरह हो गया, ये विटामिन वगैरह हो गए वो निकल जाते हैं। तो कोशिश करो कि एक फर्स्ट या सेकंड बार में जो भी गंदगी वगैरह होती है, इसमें मिट्टी वगैरह होती है, वो धुल जाए, वो साफ हो जाए, ठीक है। सेकंड वन इज एक्सेसिव कुकिंग लॉस ऑफ सर्टेन अमाउंट, अपन कोई चीज को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं ना, उससे क्या होता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाते हैं, ठीक है। वो कई बार क्या करते हैं, हमें फायदा नहीं करके हमारी बॉडी में नुकसान भी कर देते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज को दो तीन चार बार 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 आपने कई बार सुना होगा होटल में खाना बार बार गर्म करते हैं, तो वो हेल्दी नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें कोई भी चीज को बार बार गर्म करेंगे ना तो वो इतना टेस्टी हो रहेगा और ना ही उसमें बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स बचेंगे, वो बिल्कुल हेल्दी नहीं रहेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज को बार बार गर्म करना भी नुकसानदायक होता है। थर्ड वन इज नेवर एवर थ्रो वाटर विच इज यूज फॉर कुकिंग। सपोज करो अपन ने सब्जी बनाई, ठीक है, कोई सी भी सब्जी बनाई, ठीक है, पटेटो के मान लो आलू की सब्जी बनाई, उसमें अपन ने पानी बहुत ज्यादा डाल दिया। अब खाना बनने के बाद में अपन देखते हैं, सब्जी बनने के बाद में देखते हैं कि उसमें से पानी तो बिल्कुल ही बचा ही नहीं, मतलब बहुत ज्यादा रह गया, सब्जी बहुत कम है और पानी बहुत ज्यादा एक्सेसिव में, तो अपन सोचते हैं उस पानी को निकाल देते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है। लेकिन उस पानी को कभी भी नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट जो भी अपने मसाले वगैरह डाले हैं, वो भी ऑब्वियसली हमारी बॉडी की, हल्दी डाला, टर्मरिक पाउडर डाला, ठीक है, ये सब क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए फायदे के लिए होता है, ये नहीं कि इनमें से कोई फायदा नहीं, ये भी हमारी बॉडी के लिए हेल्दी वगैरह के लिए होता है, ठीक है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करता है। तो हम उसको पानी को गिरा दिए, तो हम जो हेल्दी चीज है वो तो पहले ही पानी में गिरा रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी कोई भी चीज का पानी अगर हमने पानी बनाने में काम में लिया, तो उस पानी को मत गिराओ, वो बहुत ज्यादा हेल्दी है, उसको कंज्यूम करो, ठीक है। तो उतना ही डालो पानी जितनी हमारी सब्जी में जरूरत हो, ये कोई भी चीज हमें दाल वगैरह बना रहे हैं या चावल वगैरह बना रहे हैं, तो पानी उतना ही डालो जितनी रिक्वायरमेंट हो, बाकी पानी फेंकने से उसमें जो हेल्दी पार्ट है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो बह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फैट शुड बी यूज इन लिमिटेड मैनर। ऑब्वियसली सब्जी बना रहे हैं या कोई चपाती वगैरह करें, तो उसमें घी और ऑयल एकदम लिमिटेड, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, लिमिटेड चीज में जो हमारी राइट क्वांटिटी है उसके में यूज करना चाहिए, ज्यादा हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। कोई भी चीज को जैसे सैलेड वगैरह हो, वो जितना ज्यादा हम कच्चा यूज करें उतना अच्छा। फ्रूट्स वगैरह को हम कच्चा यूज खाते हैं, रॉ को खाते हैं, पकाते नहीं, ठीक है। तो जो हम कच्चा खा सकते हैं उसको बिना पकाए खाना चाहिए, क्योंकि उससे विटामिन सी डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स है जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, हम लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा जो भी खाना कंज्यूम कर रहे हैं वो दैट शुड बी हेल्दी, ठीक है। तो इससे हमें प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे हमारे लिए बैलेंस डाइट होगा, राइट गाइस। आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, टॉपिक क्लियर हुए होंगे, अच्छा लगा होगा, राइट। तो आज का टॉपिक अपना वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, टिल देन बाय बाय, प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके गाइस, बाय बाय।